गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। आज बच्चों हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4 चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 71। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ बच्चों आपको समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। फर्स्ट नंबर जैसे पाप, पाप का क्या हो जाएगा समान तुक, जो पीछे से आपका जो अक्षर बराबर आए वो समान तुक कहलाता है। जैसे पाप तो क्या हो जाएगा ताप, ठीक है, पाप का ताप। फिर आता है चूप, चूप का क्या आ जाएगा सूप। ये देखिए आपका समानतुक मिल रहा है, पीछे से आपका समानतुक मिल रहा है। पाप का हमने क्या बताया आपको ताप, चूप का हमने क्या बताया सूप, ठीक है। अब आ जाएगा रीत, तो रीत का समानतुक क्या मिलेगा भीति, रीत का भीत। तो पाप का क्या हो जाएगा ताप, चूप का सूप और रीत का भीत, ठीक है। फिर आता है खोए, खोए का क्या हो जाएगा खोए, फिर इसका हो जाएगा जोए, ठीक। खोए का समानतुक हो जाएगा जोए। कुसंग, कुशंग, तो इसका आप क्या लिखेंगे कुसंग का भुजंग, कुसंग का आप लिखेंगे भुजंग। फिर नाही, नाही का पाही, पाही हो जाएगा, ठीक है पाही। अब देखिए अब इसका अर्थ समझ लीजिए। पाप का जो हमने बताया है ताप, ताप मीन्स होता है गरम, पाप का ताप बताया है और ताप मतलब होता है गरम, ठीक है। तो समानतुक वाले जो हम बनाते हैं उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के हम लोग समानतुक का कोई भी शब्द नहीं बना सकते। तो यहाँ देखिए पाप, पाप का तो सभी लोग जानते सीधा है, इसके बाद में आ जाएगा ताप, तो ताप मीन्स होता है गरम। फिर हमने बताया चूप, चूप माने होता है चुप रहना, और सूप का मतलब होता है जो हम किसी का जूस निकालते हैं वो सूप कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी रीत, रीत मीन्स होती है कोई भी परंपरा, और भीति, भीत का मीन्स भी होता है कोई भीत मीन्स होता है जिसे कोई भी काम करना भीति कहलाता है, किसी भी काम को उसके अकॉर्डिंग करना भीत, ठीक है। फिर है खोए, खोए मीन्स होता है खोना, और जोए, जोए का मतलब होता है जैसा, कुसंग, कुसंग मीन्स होता है बुरी संगत, और भुजंग मीन्स होता है काला सर। फिर नाही का हमने बताया पाही, पाही मीन्स होता है पाही, किसी की चरण मतलब वंदना करना पाही, पैरों मतलब उसके प्रणाम करना पाही, ठीक है। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए फोर, हिंदी भाषा के शब्द मूलतः निम्न स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम वो शब्द होते हैं, तत् मीन्स होता है जैसा, और सम मीन्स समान, जो उसी के समान आ जाए, किसके समान संस्कृत के, वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में जैसे थे वैसे ही हो गया वो तत्सम कहलाए, जैसे पुष्प, नृत्य,
पुत्र, अग्नि, सूर्य, प्रकृति इत्यादि। ठीक है, तो जैसे और एक चीज़ होती है कि तत्सम शब्द जो संस्कृत वाले होते हैं उसमें जैसे पूत, तो ये तद्भव हो जाएगा, इसमें क्या होते हैं आधे वर्ण ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनको पहचानने का एक और तरीका है कि इसमें आधे वर्ण ज़्यादा होते हैं, जैसे पुत्र, नेत्र, अग्नि, सूर्य, प्रकृति इत्यादि। ये सब क्या है, संस्कृत के वर्ड थे और इनको हिंदी में भी वैसे ही यूज किया जाता है, इसलिए ये तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तद्भव। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में उनका रूप बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि से आग, नृत्य से नाच, पुत्र संस्कृत वर्ड था और उसे पूत हो गया, दुग्ध संस्कृत वर्ड था हिंदी में दूध हो गया। नेक्स्ट हो गया देशज शब्द। हिंदी भाषा के अपने शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जो हम लोग अपने भाषा में यूज करते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, खिड़की, चिड़िया, पेट, बहन, बेटा। तो ये क्या है, ये हम लोग अपने शब्दों में यूज करते हैं इनको, इसलिए ये देशज कहलाते हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द, जिनको विदेशी भाषाओं के शब्द जो आगत शब्द कहलाते हैं, जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं। आगत शब्द, विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जैसे दरबार, जहाज, कागज, स्कूल, ऑफिस, ये सभी क्या है, आगत शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से आए हैं और हिंदी में उनको हम लोग यूज़ करते हैं, अपनी भाषा में यूज करते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपने पढ़ा समानतुक वाले शब्द, अच्छा यहाँ पे अगर आप रीत की जगह सीत करना चाहते हैं तो आप सीत भी कर सकते हैं, सीत मीन सर्दी होता है। ठीक है, और खोए, खोए की जगह आप जोए हमने बताया था, जोए मीन्स जैसा होता है, पाही मीन्स किसी की चरण वंदना, मतलब पैरों में प्रणाम करना, पाही कि आपके हम चरणों में पाही पाही दाता रह रहे, कहते नहीं पाही पाही दाता, बार बार हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो पाही मीन्स प्रणाम करना चरणों में। ठीक है, तो आपने पढ़ा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए आप एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे और आप आंसर लिखेंगे, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो तत्सम शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी कि संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे नृत्य, पुत्र, अग्नि, सूर्य, प्रकृति, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। आप सभी बच्चे इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, ओके।